तो आज हम लोग फ्रिक्शन का अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि जेई मेंस 2019 में पूछा गया था, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन दिया गया है 30 डिग्री, एक ब्लॉक दिया गया है जिसका कोई मास नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन ये बताया गया ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर रहता है अगर हम मैक्सिमम फोर्स नीचे की तरफ 2 न्यूटन तक लगाते हैं या उससे कम लगाएंगे तो भी रेस्ट पर रहेगा, और ऊपर की तरफ इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन तक लगाएंगे तब तक ये रेस्ट पर रहेगा, 10 न्यूटन से कम लगाएंगे तो भी रेस्ट पर रहेगा, मतलब 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऊपर खिसक जाएगा और 2 न्यूटन से ज़्यादा लगाएंगे इधर तो नीचे खिसक जाएगा, ठीक। तो ये जो फोर्स बताया गया इस फोर्स के अंदर इस रेंज में कोई भी फोर्स हम लोग लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं होगा। तो पूछा गया है कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है अ ब्लॉक केप्ट एट रफ इंक्लाइंड प्लेन रिमेंस एट रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 न्यूटन फोर्स डाउन द इंक्लाइन, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डाउन द प्लेन मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लिया इसका मास एम है, ठीक है। तो एम जी जो फोर्स आता है नीचे, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आता है इधर एम जी साइन थीटा, इधर आता है एम जी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री, ऊपर एक नॉर्मल आएगा, ठीक है। अब अगर मैं नीचे की तरफ मैक्सिमम फोर्स लगाता हूँ 2 न्यूटन का, तो मैक्सिमम फोर्स है उसके बावजूद भी ये स्लिप नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में है। इधर जो है चूंकि ये मैक्सिमम फोर्स है तो इधर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा जो कि म्यू इंटू एन के इक्वल होता है। तो अभी तक ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा उतना ही ऊपर लग रहा होगा। तो नीचे फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा प्लस 2n इज इक्वल टू, ऊपर लग रहा है म्यू इंटू एन, जहाँ पर n जो है n का वैल्यू देखेंगे इधर एक लुब्रियम है तो mg cos थीटा के इक्वल आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें m और म्यू दो ऐसे क्वांटिटी हैं जो कि पता नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर ये 2 न्यूटन है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये 2 न्यूटन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन तो यहाँ से आया। उसके बाद जो दूसरा केस है, दूसरा केस का मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मैक्सिमम फोर्स लगाना है। अगर ऊपर की तरफ मैक्सिमम फोर्स लगाया इसका मतलब यह है कि अब अगर मैं उस फोर्स से ज़्यादा, ये मैक्सिमम फोर्स ऊपर की तरफ बताया गया है 10 न्यूटन, अगर मैं इससे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर स्लाइड कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि 10 न्यूटन पर फ्रिक्शन फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा होगा और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि अभी जो है ये ऊपर स्लाइड करने वाला होगा, तो म्यू एन लगेगा। इधर एम जी का कॉम्पोनेंट आएगा, ये एम जी है, तो इधर आएगा एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा, है ना, ये थीटा थीटा है, तो ऊपर आता है नॉर्मल फोर्स, ठीक। तो इस तरफ इंक्लाइन प्लेन की तरफ अभी भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि अभी भी स्लाइड नहीं किया है, तो ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, एन का जो वैल्यू है वो फिर से एम जी कॉस थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 10 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया अपने पास दूसरा इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना है कि जो थीटा है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखना है। तो अपने पास दो अननोन है, कौन कौन, एक तो म्यू एम और म्यू, यहाँ भी एम है और म्यू है, थीटा पता है। तो दो इक्वेशन अपने पास, दो अननोन है, दोनों को आप सोल्व करेंगे।
सोल वन एंड टू दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो म्यू का जो वैल्यू यहाँ से आएगा आप चेक कर सकते हैं √3/2 है ना, ये आ जाएगा।